शिवपुराण एक बात अपने हृदय चित्त से उमाखंड कहता है शिवपुराण का, कि कहने वाले ने कहा कि तुमने भजन नहीं किया नरक चले जाओगे, तुमने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। शिवपुराण कहती है कि वो नरक का गुणगान नहीं करती। शिवपुराण तो इतना कहती है कि अगर आप मंदिर नहीं गए हो, अगर आप शिवालय नहीं गए हो, अगर आपने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया है, नरक जाओगे कि नहीं जाओगे, किसने देखा, किसको मालूम कि तुम स्वर्ग गए कि नरक गए। शिव पुराण कहती है भूखे को अगर भोजन करा दोगे, नरक जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, पर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हें कोई तुलसी का दल जरूर दे देगा, ये निश्चय। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते, क्यों नहीं तोड़ते? हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो शालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल आज नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी शालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन तुलसा नहीं तोड़ी जाती है। रविवार के दिन भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही। एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता। बाहर होगी थोड़ी देर अगर धूप आई भी सरी, फिर छांव आई, फिर धूप आई, फिर छांव आई, बस जिंदगी यही है। थोड़ा दुख आया फिर सुख की भगवान ने छैया कर दी, फिर दुख आया फिर सुख की छांव। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए, तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। शिव महापुराण में 5 महापाप बताए, गरुण पुराण में 5 महापाप कहे, श्रीमद् भागवत में 5 महापाप कहे। 5 महापाप में पहला पाप है बाल हत्या, दूसरे नंबर का पाप है पर स्त्री का भोग करना, तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण की चोरी करना, चौथे नंबर में आता है किसी के घर में आग लगा देना, पांचवें नंबर का होता है किसी के साथ विश्वासघात कर देना। ये महापाप की गिनती। आज भी हमारे यहां शंकर भगवान का प्रमाण है, जिस नारी के गर्भ गिर जाता हो, जिस नारी के संतान नहीं हो पा रही हो, जिस नारी को बच्चे नहीं होते हो, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या डॉक्टर कह दिया कि नाल में बच्चा लपका हुआ है, कुछ मत करो, एक श्रीफल उस पर एक वस्त्र लपेट कर भगवान शंकर को उस नारी का नाम और गोत्र लेकर समर्पित कर दो आखा की आखा, उस नारी का जापा आराम से होता है। शिव की कृपा है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, शत्रु उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस जानते हो, एक का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती।